हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कालू भैया को एक बात बतानी है आप सब लोगों को, मेरी वो शिकायत करना चाहते हैं। अब वो शिकायत क्या है वो आप सुनिए। एक तो ये बंदा रात को 3-4 बजे तक एडिटिंग करता है, 2 बजे तक 3 बजे तक। अब वो करना पड़ता है, मैं ये सोचता हूँ कि अब सोने को मिलेगा। और जैसे ही 3-4 बजते हैं तो इसका प्रोटीन शेक बनना चालू हो जाता है, जिसमें अजीब अजीब तरीके की आवाज़ आती है, कभी खच 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 खच, कभी पन्नी खोलने, कभी किसी चीज़ की आवाज़। तो मतलब टोटली हमें सोने नहीं दे रहा है आप लोगों के लिए। हम घूम के आते हैं तो 12 बज जाते हैं, फिर 12 बजे के बाद ब्लॉग एडिट करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ती है। तो हम बहुत ही कम सो रहे हैं, बट मज़ा बहुत आ रहा है। और सिद्धिविनायक मंदिर और वहाँ के लिए हम पकड़ेंगे बस, जो सिटी बस होती है। जैसे मुंबई ऐसी बड़ी सिटी में आते हो तो ऑटो रिक्शा वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपके बहुत पैसे फालतू के खर्च होते हैं। तो उससे अच्छा मैं आपको यही बताऊँगा कि आप सिटी बस को पकड़ें या आप लोकल को पकड़ें, और ऑटो रिक्शा वगैरह में जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम ही जाएं। ब्रेकफास्ट करेंगे अपना, तो ये ना कि सुंदरता सी आ जाती है जो कि अब आ गई है। मैं तब से एक कांच का इंतजार कर रहा था, आज नाया हूँ बड़े दिनों। थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग करने के बाद मैंने अपने लिए बैग लिया, मुझे ज़रूरत थी ट्राईपॉड को रखने के लिए, और ये वॉच लिया। अब हमको बस लेनी है, बस हम जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे 4 नंबर बस लगेगी, बट 4 नंबर बस एक बार खड़ी है, वो पूरी खाली है, उसमें यही नहीं पता कितना टाइम लगेगा। आप देखते हैं यहाँ पर कोई और 4 नंबर बस फ़िलहाल अवेलेबल है या नहीं है। 4 नंबर के लिए ये वाली बस पकड़नी पड़ेगी, देखते हैं, मतलब दादर के लिए। दादर 3 अब ये अंतर है लोकल बस का और एक रिक्शा का। रिक्शा में और ट्रेवलिंग में कल से हमारे बहुत पैसे बर्बाद हो चुके थे, बट आज हमको आई थोड़ी बहुत अकल, हमने लोकल का सहारा लिया। और अब देखिए हमें इतनी दूर जाना है, बस 45 रुपये। आप अगर ये छोटी सिटी से कोई ये चीज़ें देख रहा है, उन्हें ये लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे मुंबई में ट्रैवलिंग का एक्सपेंसिव बहुत है, उसमें आपका बहुत फिजूल खर्च हो सकता है। जब आप यहाँ पर घूमने आ रहे हो और आप और लोकल की भी एक अलग ही फील है। आपको जो मैंने दिखाया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जीवन में लव मैरिज की हो, या आप देख सकते हो जादू टोना करवाना हो, गृह कलेश हो, कर्ज मुक्ति हो, प्यार मोहब्बत और पति पत्नी में अनबन, इन सब चीज़ों का समाधान आपको इन पर मिलेगा। कोई फ्री आदमी नहीं दिखा है, फ्री से मेरा मतलब है सब कुछ ना कुछ अपना काम कर ही रहे हैं किसी भी प्रकार से, और लोगों में इतना काम के प्रति अच्छा, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, लोग इतना काम को महत्व दे रहे हैं, तभी ये सिटी चल रही है। सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, जो कि मुझे इस सिटी के बारे में सबसे अच्छी बात लगी है। कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? कितनी में? 9 मिनट। अब बस से निकलने के बाद अब हमने टैक्सी लिया, जो हमें हमारी डेस्टिनेशन
सीढ़ी बनाए मंदिर पर छोड़ेगी। आ गए हैं हम मंदिर की ओर। यहाँ पे एक लाइन है जी, आदमी को टाइम मिला है किला छोड़ के भागता है। A few moments later. तो अभी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है। हम जहाँ से मिठाई ले रहे थे वहाँ से हमें पता पड़ा है कि मंदिर में अंदर एंट्री के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना पड़ता है, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ये हमें पता नहीं था, हो सकता है कोविड की वजह से हो। तो मैम जैसे अभी हम बुकिंग करें तो कितनी देर में हमें मिल जाएगी? अभी हमने वहाँ पे मैम से पूछा था, उन्होंने बताया था कि एंट्री ऐसे नहीं होगी, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में अभी यह है कि 15 तारीख तक की पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। तो मामला हमें 90% यही लग रहा है कि मंदिर के हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये मंदिर के बाहर ही घूमते रहेंगे। क्यों फिर हो पाएंगे? हम भी यही देख पा रहे हैं, आप ये चारों तरफ देख लो। नहीं है यार, काम करते हैं वहाँ से हाथ जोड़ लेते हैं और चलते हैं फिर। रियल में ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। कहाँ गए ये दोनों को टाइम मिलता है, देखते नहीं है पीछे वाला बंदा क्या कर रहा है, या छोड़ के चली लेती है। मंदिर का बाहर का व्यू है। अब हम खा रहे हैं मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चीज वड़ा पाव। मैं अब थोड़ी सी हल्की पुल्की सी शॉपिंग करेंगे क्योंकि कल हम शायद कहीं और जा सकते हैं। ये क्या है? हर कोई संगमित्रा कौशिक की तरह नहीं होता है जिनके 3 बैग में सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही हैं। हाँ, और पूरी रास्ता हम धोते हुए आए हैं। हम दोनों के बैग एक एक बहुत हम दोनों के बैग एक एक वो भी उसमें मेरे डाइट का सामान, मेरे जूते चप्पल वगैरह सब कुछ थे, ये गियर्स वगैरह सब कुछ थे। और इन मैडम के 3 बैग में सिर्फ कपड़े ही कपड़े। अभी हम मार्केट में, ये यहाँ का फेमस मार्केट है। इस मार्केट में यहाँ पे अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली है। और दुखद खबर तो ये है, मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है, मतलब लो हो गई है। मैं आगे ब्लॉग कैसे करूँगा तो उसका भी सोच रहा हूँ। हमें मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, ये दोनों महंगे मिल गए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस मार्केट में घूमते घूमते। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी मैंने की है। आने वाली लोग कितने बजे होगी ट्रेन? ट्रेन अभी मिलेगा इधर से, कोई भी पकड़ेगा तो जाएगा, खाली बैटरा छोड़ के बाकी सब जाता। थैंक यू भैया। एक कहाँ आई टिकट करते हुए लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती है, उनके लिए अलग से वो रहता है इस तरह पर। बट इन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया गया है। गर्ल्स बॉयज़ के इसमें आ सकती है बट बॉयज़ नहीं जाते। ट्रेन पिक्चर में वो सीन नहीं होता है जिसमें मारता है, लोकल ट्रेन में ही वैसी फीलिंग आ रही है। मैं तो हूँ सलमान खान का फैन, सलमान भाई का फैन।
अंधेरी भी है इसका, मैं आपको साथ समझाता हूँ। ये स्टेशन है जो है अंधेरी, अगर आप इस तरफ जाओगे तो अंधेरी वेस्ट, अपोजिट साइड ईस्ट। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, एक और नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे होपफुली। अब हर बात में होपफुली लगाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। सब क्या हो गया, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट। अब कहाँ आ रहे हैं? Peace out.